प्रणाम, मैं शुभम विक्रमशिला IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट चौदह बिगारी शिक्ष के छात्रों में आपके सामने आज संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ मतलब तथ्य रखने जाऊंगा। अगर इसमें मेरे से कोई भूल होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, अगर इसमें कोई गलती होती है मतलब क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले जो भारतीय संविधान है वो नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा मिश्रण है, और जो मतलब भारतीय संविधान संशोधन है मतलब वो ना इंग्लैंड की भांति मतलब ना लचीला है तथा ना ऑस्ट्रेलिया कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया कनाडा के भांति मतलब ना ही कठोर है। और भारतीय संविधान निर्माता संघात्मक संगठनों के संचालन से पूर्णतः अवगत थे, इसलिए उन्होंने मतलब जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो मतलब मध्यम मार्ग चुना है मतलब इसके लिए सबसे पहले। और जो संविधान संशोधन है उन्होंने मतलब दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से लिया है। संविधान संशोधन भाग 20 और आर्टिकल 368 में दिया गया है, मतलब अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो सिर्फ संसद में है, मतलब राज्य विधानमंडल इसमें मतलब कोई संशोधन नहीं कर सकते। और मतलब जो संविधान है संशोधन में मतलब जो संसद है वो प्रस्तावना किसी भी भाग में मतलब संशोधन कर सकती है और मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वह उसके बेसिक स्ट्रक्चर में मतलब उसके आधारभूत ढांचे में मतलब कोई संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मतलब उसके एक उदाहरण है मामला। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति है वो आर्टिकल 368 में निहित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया तीन प्रक्रिया होती हैं, सबसे पहला है साधारण बहुमत और दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत साथ में आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। सबसे पहले आता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है कि संसद ना किसी मतलब किसी अनुच्छेद के मतलब उपबंधों में मतलब साधारण बहुमत से मतलब विधेयक पारित कर सकती है, मतलब संशोधन कर सकती है विधेयक में। और यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है। और यह मतलब इसमें क्या होता है कि जो संसद संसद में उपस्थित या सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वालों के आधे से अधिक का मतलब मतदान की या बहुमत की आवश्यकता होती है तथा मतलब ये कई महीने में मतलब इसमें बोला जाता है कि 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन इसके अर्थों में नहीं होता है मतलब ये। और ये सबसे सरल प्रक्रिया है। और इसके अंदर जो हम मतलब संशोधन करते हैं वह है सबसे पहले आते हैं मतलब कुछ मेन है वो है अनुच्छेद 2 मतलब नए राज्यों का निर्माण। दूसरा है आर्टिकल 3 मतलब अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नाम क्षेत्र या उसकी सीमा में परिवर्तन, यह आर्टिकल 3 ये भी इसके अंदर आता है मतलब साधारण बहुमत के संशोधन के अंदर। और तीसरा है नागरिकता में के संबंधित प्रावधान करना मतलब आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11। और इसके बाद आते हैं 169 आर्टिकल 169 मतलब मतलब राज्यों में मतलब ना विधान परिषदों का मतलब क्रिएशन या मतलब सृजन तथा समापन। और उसके बाद आते हैं जो संघ राज्य होगा ना उसमें विधान परिषदों विधानमंडलों का तथा मंत्री परिषदों का क्रिएशन मतलब सृजन, यह है आर्टिकल 239 का मतलब अनुच्छेद 239 का। उसके बाद है अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों के वेतन भत्ते जो अनुसूची 2 में दिए गए हैं। और उसके बाद है प्रथम अनुसूची चौथी पांचवी और आठवीं अनुसूची में मतलब संशोधन कर सकती है इसमें साधारण बहुमत से। अब आते हैं विशेष बहुमत में। विशेष बहुमत क्या होता है कि विशेष बहुमत जो विशेष बहुमत की जो प्रक्रिया है 368 में निहित की है मतलब दी गई है। और यह मतलब सदन में मतलब सदन के आधे से अधिक तथा मतदान या उपस्थित में करने वाले सदस्यों के मतलब 2/3 बहुमत से पारित होगा। और जो मतलब साधारण बहुमत से तथा राज्यों के अनुसमर्थन से पारित होगा वह विधेयक को छोड़कर जो भी विभागीय सब संशोधन किए जाएंगे वही इसके अंदर आते हैं मतलब विशेष बहुमत के अंदर। और यही सबसे मतलब बड़ी मतलब सबसे ज़्यादा की जाने वाली प्रक्रिया इसी संशोधन द्वारा होती है मतलब विशेष बहुमत द्वारा होती है। और इसके बाद आते हैं
राज्यों का अनुसमर्थन, मतलब आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन तथा विशेष बहुमत, ये सबसे कठिन प्रक्रिया मानी जाती है। ये 368 के अंदर दी गई है और इसमें मतलब आपको विशेष बहुमत तो चाहिए होता है मगर आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। और मतलब इसमें अगर विधानमंडल बोला गया है तो मतलब आधे से अधिक राज्यों में मतलब विधानमंडल बोला गया है ना, तो विधानमंडल में मतलब दोनों आते हैं, मतलब विधान परिषद हो तथा विधानसभा। अगर विधान परिषद है तो भी हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर विधानसभा को माना जाएगा। और जो मतलब 368(2) है ना, उसमें मतलब कुछ आर्टिकल 368(2) के उपबंधों में मतलब कुछ जो मतलब अपेक्षित किए गए हैं ना, मतलब कुछ उपबंध किए गए हैं, तो उनमें संशोधन जो होता है इसके द्वारा होता है। मतलब जिसमें संघात्मक ढांचे में जो संशोधन होता है वो इसी के द्वारा होता है। मतलब साधारण विशेष बहुमत तथा राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो इसमें कुछ निम्नलिखित हैं, मतलब मुख्य है, वो है, पहला है आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, और आर्टिकल 73 मतलब 73 केंद्र की मतलब कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और इसके बाद है आर्टिकल 241 हाँ 241 संघ के राज्य क्षेत्रों के लिए मतलब न्यायालय, और उसके बाद है 279 में मतलब का में देखा गया कर एवं सेवा एवं वस्तु एवं सेवा कर परिषद, और उसके बाद है अनुसूची नहीं भाग 5 संघ का कार्य न्यायालय, और भाग 6 राज्य का न्यायालय उच्च न्यायालय, और भाग 11 संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों। उसके बाद है जो 7वीं अनुसूची है उसमें भी संशोधन कर सकते हैं, मतलब इसके द्वारा, वह है मतलब राज्य अनुसूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। और उसके बाद है मतलब 368 में भी इसी की उससे मतलब जो संशोधन होता है इसी के द्वारा होता है 368 में। और जो सूची अनुसूची 4 है उसमें भी संशोधन किया जाता है इसके द्वारा, वो है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और उल्लेख है कि मतलब ना जो मतलब वो है विधानमंडलों का ना मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब उनका नॉर्मल बहुमत चल जाता है उसके लिए अनुसमर्थन के लिए नॉर्मल बहुमत चल जाएगा। अब आते हैं मतलब संशोधन की प्रक्रिया। तो संशोधन की प्रक्रिया होती है ना, वह सदनों को संसद के समक्ष रखी जाती है, वो किसी की सदन में मतलब राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में रख सकते हैं। और मतलब इसमें ना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, और जब ना ये पारित हो जाएगा ना विशेष बहुमत या राज्यों के अनुसमर्थन से, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन से पारित हो जाएगा ना, तो उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी क्योंकि वो बाध्य होते देने के लिए, और ना मतलब वो उसको मना नहीं कर सकते या उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। और अगर उनके बीच मतभेद हो जाएगा ना राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, तो वो 108 में मतलब विशेष अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। और क्योंकि ना जो मतलब जो हम पारित करते हैं ना, जब राष्ट्रपति से पारित कर देगा ना मतलब विधेयक को पारित कर देगा, तो अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अगर लोकसभा कोई विधेयक पारित करती है और राज्यसभा उसे मना कर देती है ना, तो मतलब ये निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आते हैं मूल अधिकारों में संशोधन। तो मूल अधिकारों में संशोधन कैसा होता है कि मतलब आर्टिकल 368 में दिया गया है कि मतलब संसद ना और अनुच्छेद के किसी भागों में संशोधन कर सकती है, मगर 13(2) में कहा गया है कि ना मतलब संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे उसके मतलब मूल अधिकारों को न्यून कर दे या समाप्त कर दे। तो इससे ये दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि संसद को क्या बोलते हैं, मूल अधिकारों में संशोधन या समाप्त करने का अधिकार है या नहीं, इसमें प्रश्न चिन्ह बन जाता है। तो फिर इसका अर्थ उठता है कि 13(2) में जो विधि है ना उसका अर्थ क्या होता है। अगर जो उसका अर्थ विधि है मतलब उसका अर्थ ये है कि मतलब ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आता है प्रक्रिया है, तो मतलब ये संविधान मतलब संसद में संशोधन नहीं कर सकती है। अगर ये नहीं आता है तो कर सकती है। तो मतलब ये ना इसका 13(2) ना मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब वो विवादों में रहा,
तो इसके कुछ विवाद निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। तो जो मतलब प्रथम संविधान संशोधन हुआ है ना, तो उसमें जो भूमि सुधार विधाई संबंधित है, मतलब जो पारित किया गया है ना, तो मतलब उसमें मतलब उसमें ये वाद उठा है कि मतलब याचिकाकर्ता ने बोला है कि मतलब ये ना 13(2) के तहत संविधान का अतिक्रमण है। और मतलब ये 13(2) में कहा गया है कि मतलब संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मतलब मूल अधिकारी को वो कर दे, हनन कर दे, या मतलब उसको समाप्त कर दे या उसका न्यून कर दे। मगर फिर उच्च न्यायालय कहता है मतलब संसद को पूरी पावर है मतलब किसी भी विधेयक में किसी भी मतलब अनुच्छेद या भाग में उसका वो करने की, क्या बोलते थे, संशोधन करने की पूरी विधायक है। जो 13(2) में विधि दी गई ना, ये साधारण विधायी शक्ति है मतलब इसकी 13(2) की। और मतलब संसद मतलब एक तरीके से ये मतलब हो गया, ये मतलब 13(2) हो गया, मतलब ये उच्च न्यायालय ने संसद के पक्ष में वो कर दिया। उसके बाद आते हैं सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। तो जब 1964 को मतलब 17 संविधान संशोधन हुआ है, तो इसको में इसमें भी कहा गया है कि मतलब ना ये संविधान मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन है, मतलब उसको अतिक्रमण किया गया है। मगर ना फिर उच्च न्यायालय कहता है अगर संविधान निर्माता मूल अधिकारों को अलग ही रखना चाहते हैं ना मतलब संविधान से संशोधन से, तो उसको मतलब उल्लेख करते हैं, खुला उल्लेख करते हैं, तो इसको भी मतलब वो कर दिया गया है मतलब पक्ष में, संसद के पक्ष में कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो ये हुआ 1967 में। हाँ, तो मुख्य न्यायाधीश थे मतलब सुप्रीम कोर्ट के श्री सुब्बा राव जी। मतलब 11 लोगों की बेंच बैठी और उसमें मतलब 6-5 से ना मतलब विनिश्चय को पलट दिया, मतलब जो मतलब सज्जन सिंह नाम और शंकरी प्रसाद थे ना, उनके विनिश्चय को पलट दिया गया। और ये कहा गया कि मतलब संसद के बाद ना मतलब प्रक्रिया है मतलब संशोधन करने की, उसके पास ना शक्ति नहीं है, उसके जो शक्ति है वो है ना 245, 46 और 48 में निहित की गई है। और इसके बाद के मतलब ये जो पारित होगा ना, ये भविष्य लक्षित से पारित होगा और जो पहले हो गया वो विधि मान्य ऐसे रहेगा। उसके बाद आते केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मतलब इसमें भी ऐसे कुछ कहा गया कि मतलब जो 24वां संविधान संशोधन से मतलब जो खंड 1 और 3 जोड़ा गया तथा 2 में संशोधन किया गया ना किया गया, और इसमें कहा गया कि मतलब जो संसद के पास शक्ति है ना, मतलब वो मतलब उसके बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब उसमें संशोधन नहीं कर सकती जो है संसद। आधारभूत ढांचा, संविधान का आधारभूत ढांचा, संविधान का केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब संविधान के आधारभूत ढांचे को प्रतिपादित किया। मतलब बहुमत से उन्होंने ये निर्णय दिया कि मतलब ना निर्णय लिया गया कि जो मतलब संसद है ना, उसके पास ना आधारभूत ढांचे को संशोधित करने की शक्ति नहीं है। और जो आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है मतलब वो है, वह मतलब तथ्यों के आधार पर किया जाएगा कि आधारभूत ढांचा क्या है। तो संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वो संविधान का ऐसा उपबंध है, मतलब उसमें ना संविधान की ऐसा उपबंध से है मतलब जिसमें भावना और संविधान की भावना तथा मूल स्वरूप निर्मित करते हैं मतलब संविधान को। और जो ये है संविधान की जो आधारभूत ढांचा है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला है संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्र की एकता और अखंडता और विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और कल्याणकारी राज्य और संसदीय शासन प्रणाली और क्या संविधान में मतलब पंथ निरपेक्ष स्वरूप और आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 के तहत के अधीन राष्ट्रपति की मतलब जो शक्तियाँ हैं और कुछ दशाओं में क्या बोलते हैं मूल अधिकार और पुनर्विलोकन की शक्तियाँ संविधान की न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्तियाँ और
क्या बोलते हैं, संसदीय शासन प्रणाली और जो लोकतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव शासन प्रणाली, विधि का शासन और निम्नलिखित है, और कुछ मामले हैं जिसमें आधारभूत ढांचा मतलब वो हुआ है। सबसे पहले केस हुए हैं, सबसे पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसमें संविधान की सर्वोच्चता तथा उसमें आधारभूत ढांचा है, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथककरण, और दूसरा है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, उसमें है आधारभूत ढांचा, उसमें है हाँ निष्पक्ष चुनाव, विधि का शासन और लोकतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, और तीसरा है मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ, इसका आधारभूत ढांचा है, मेरे मतलब जो वाद है वो है मौलिक कर्तव्य तथा नीति, नहीं मौलिक अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों के मध्य मतलब सामंजस्य, और चौथा है एस आर गुप्ता अन्य बनाम भारत संघ, नहीं एस आर गुप्ता बनाम अन्य बनाम राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, इसमें है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता, और चौथा है एस आर बॉम्बे बनाम भारत संघ, धर्म निरपेक्षता, इसका मतलब आधारभूत ढांचे का वाद है, और पांचवा है भारत संघ बनाम मतलब इसके जो आधारभूत ढांचे का जो वो वाद है वो है आप न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मतलब वाद। और अब आएंगे हम मतलब 368 में किए गए मतलब तीन जो संविधान है मतलब संशोधन किए गए, वो 368 में तीन बार संशोधन किया गया, वो पहला है सातवां संविधान संशोधन अधिनियम जो मतलब राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, अरे दूसरा है 24वां संविधान संशोधन 1971, और चौथा तीसरा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 छिहत्तर, हाँ छिहत्तर 76 सॉरी, उसके बाद आते हैं सातवां अधिनियम संशोधन राज्य पुनर्गठन जब पारित हो गया ना क्या बोलते हैं, तो मतलब ये करना आवश्यक हो गया कि मतलब जो 368(2) में ना शब्द दिया गया है ना मतलब भाग अनुसूची के मतलब भाग क तथा ख में मतलब विनिर्दिष्ट विलुप्त कर दिए गए, मतलब शब्द विनिर्दिष्ट विलुप्त कर दिए गए, और जो 24वां है ना उसमें क्या किया गया कि मतलब पहला और तीसरा मतलब जोड़ा गया तथा जो दूसरा है उसको संशोधन किया गया, और जो जो पहले था ना जो 368(2) वही मतलब क्या बोलते हैं 368(2) का मतलब मेन वही था सबसे पहले जो मतलब संविधान संशोधन हो रहा था, और जो पहले में कहा गया है कि मतलब ना जो संसद के बाद ना जो विधायी शक्ति है ना संविधायी शक्ति वो मतलब शक्ति प्रदान की गई है, मतलब वो वेरिएशन कर सकती है, एडिशन कर सकती है और रिपील कर सकती है, मतलब परिवर्तित परिवर्धित और मतलब रिपील कर सकती है, मतलब तीन चीज कर सकती है, और जो मतलब ये कैसे किया गया मतलब जो गोलकनाथ बनाम मामला आया था ना उसके तहत मतलब इसका प्रावधान किया गया मतलब 24वें संविधान संशोधन का, और उसके बाद है जो तीसरा उपखंड जोड़ा गया ना मतलब 368 में वो है कि मतलब जो अनुच्छेद 13 में मतलब किसी बात के होते हुए भी ना मतलब इस बात के होते हुए कि मतलब जो संविधान है आर्टिकल 13 की मतलब कोई बात ना मतलब आर्टिकल 13 की कोई बात मतलब संविधान संशोधन के मतलब इस प्रक्रिया में लागू नहीं होगी, मतलब उसके बाद 13(4) को भी जोड़ दिया गया, और जो अनुच्छेद 2 में मतलब संशोधन किया गया है मतलब 368(2) को मतलब जो संशोधन किया गया है वो कहा गया है कि मतलब जब ये पारित हो जाएगा ना विधेयक ये राष्ट्रपति का अनुमति के लिए सहमति के लिए भेजा जाएगा, राष्ट्रपति इसको सहमति देने के लिए बाध्य होंगे इससे कह दिया गया है, और जो 42वां संविधान संशोधन है वह उससे ना तीसरा और पांचवां उपखंड जोड़ा गया है, और जो जोड़ा गया है ना मतलब केशवानंद भारती बनाम जो उच्च न्यायालय ने मतलब संसद की मतलब जो शक्ति है संविधान संशोधन की जो शक्ति है ना उसमें मतलब शक्ति पे मतलब आरोपित शक्ति पे जो आरोपित संविधान के आधारभूत ढांचा को जो मतलब की सीमा को
तहत को मतलब जोड़ा गया, उसके तहत जोड़ा गया इसको मतलब है, और जो मतलब जोड़ा गया है तथा इससे मतलब जो संविधान की मतलब असीमित शक्ति तथा किसी भी न्यायालय में मतलब उसके प्रश्नगत ना होने के प्रावधान को किया गया है। मतलब उसको प्रश्न मतलब जो प्रश्नगत कर सकते थे ना, मतलब कहीं भी किसी भी न्यायालय में मतलब उसके लिए अपील कर सकते थे आप, या वो कर सकते थे ना, उसके लिए प्रावधान किया गया है। और मतलब उन मिनर्वा मिल्स नाम भारत संघ के मामले में ना मतलब ये असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। धन्यवाद।